हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रिक एंड ट्रिप्स। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ, अगर आप भी कोई घर बनवा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो एक कॉलम के रिलेटेड है, आप लोग जो पिलर देते हो घर में उसके रिलेटेड है। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरी वीडियो इतनी दूर तक जा रही है। आप कौन से सिटी से हो? ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ले चलते हैं आपको साइड पे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक कॉलम खड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मिस्त्री ने तो अच्छा काम किया है कि जैकेट वगैरह लगा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें ये किया है कि जितने भी लैप्स हैं, सरियू की लैप्स, सब एक बराबर कर दिया है, जो कि कम से कम 50% होनी चाहिए, 50% लैप होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए अल्टरनेट, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब एक सरिया बड़ा हो और एक छोटा हो, इस टाइप से होना चाहिए, ताकि आपका कॉलम बीच से क्लैप्स ना करे या फेलियर ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा कि ये देखिए, ये कॉलम का हम शटरिंग खोल रहे हैं, इसमें क्या हुआ है कि ये कंक्रीट आधा नीचे आ गया है, आधा ऊपर आ गया है, और बीच में खाली रह गया है। इसका मेन कारण है फ्रेंड्स कि जब हम कंक्रीट करते हैं उस टाइम वाइब्रेटर सही से नहीं मारते हैं, या मिस्त्री लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पानी डालने से कंक्रीट क्या होता है, तो सेटल होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है कि पानी बाहर निकल जाता है, कंक्रीट की जगह पे खाली रह जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। पहली गलती तो ये हुआ है कि वाइब्रेटर नहीं मारा है। दूसरी गलती ये है कि उसने ज़्यादा पानी वाला डाल दिया है। और ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर काम करवा रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर देखना, इसमें बीच में रिंग्स भी नहीं देख रही है, ठीक है फ्रेंड्स।